डीप डाउन कीजिए कीजिए उसको ठीक है सो मेक श्योर मेक मनी के अंदर बहुत सारे चीज हो जैसे एफिलीट से पैसा कैसे कमाए जैसे ई बुक बेच के पैसा कैसे कमाए राइट सो so, थोड़ा सब निशिंग कीजिए ताकि आपके जो प्रोडक्ट जो खरीदे उसको लगे कि हाँ भाई आप एक्सपर्ट है फॉर एग्जाम्पल आप कोई जर्नलिस्ट डॉक्टर है उसके पास आप हार्ट का बीमारी तो नहीं दिखाने जाओगे हार्ट के स्पेशलिस्ट पे जाओगे तो अगर आप ये बोलोगे कि आई एन एफिलिट मार्केटर आई विल टीच यू हाउ टू स्टार्ट एन एफिलिट मार्केटिंग बिजनेस विल ट्रस्ट यू तो वही हेल्थ में भी लागू होता है वही रिलेशनशिप में भी लागू होता है तो अगर आपका लट से पेरेंटिंग निश है तो पेरेंटिंग एक अच्छा निश है आप डीप डाउन कर लीजिए आप ठीक है आपके ऊपर डिपेंड करता है नाउ सेकेंड स्टेप इज टू मेक अ सुपर ऑफर नाउ वॉट इज सुपर ऑफर सुपर ऑफर इज समथिंग लाइक गेट हंड्रेड रीड्स इन ट्वेंटी फोर आवर्स समथिंग लाइक दैट सो पहले अपना मेन प्रोडक्ट डिसाइड कीजिए एंड अफर अराउंड ऑफर सुपर ऑफर इज न सिंपल वन लाइनर जिसको रिजेक्ट नहीं कर सकता एक लाइन में अगर मैं आपको क्या बोलूं जिसे आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे ऐसा क्या हो सकता है जैसे मैं आपको बोलू गेट हंड्रेड लीड्स इन ट्वेंटी फोर आवर्स आप जरूर सीखना चाहोगे राइट right? तो so, एक ऐसा सुपर ऑफर बनाइए जिसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकते जैसे अगर मैं हेल्थ नहीं से बात करूं तो लूज ट्वेंटी बहुत सारे लोग आएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में बोलेंगे कि भाई ऐसा है ना कि फेसबुक एड जो है वो आपका बंद हो जाएगा अगर आप ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करोगे तो बंद हो जाएगा तो उसके लिए क्या करना है गेट हंड्रेड लीड्स इन ट्वेंटी फोर आवर यूजिंग एबीसी टेक्निक मतलब यूजिंग करके आप कोई टेक्निक का नाम लिख दो अपने से बना के सो so, आई लूज फाइव के जी इन वन मंथ विद दिस टेक्निक तो हमने कोई लिखा ना विद दिस टेक्निक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन आप अगर से वी लिख दो हंड्रेड लीड्स इन ट्वेंटी फोर आवर्स वो हो सकता है क्योंकि आपका अकाउंट अभी स्टार्टर में है तो वो हो सकता है कि बैन हो जाए राइट तो मेक श्योर आप अपना सुपर ऑफर बनाइए सुपर ऑफर एकदम जरूरी है ब्रेन स्टॉम कीजिए कि ऐसा ऑफर क्या बनाए जिससे लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते उसमें स्कैसिटी होनी चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए जिसमें मैंने लिखा है गेट हंड्रेड लीड्स एकदम मैं स्पेसिफिक हूँ भाई मुझे सो लीड ही चाहिए इन ट्वेंटी फोर आवर्स राइट सो लोग कहेंगे हाँ यार ये सीखते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है जब स्पेसिफिक रहते हो और अगर आप टाइम बाउंड हो जाते हो उसी के साथ में सो देर सो मेक श्योर सबसे पहले स्पेसिफिक रहना है आपको सो so, अगेन मैंने बताया गेट हंड्रेड लीड्स इन ट्वेंटी फोर आवर्स लूज फाइव के जी इन विद दिस टेक्निक मैं और भी बता सकता हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल सुपर ऑफर के राइट आई हैव मेड लाख आफ्टर

मतलब चार पाँच सौ का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कुछ भी दे दो लोगों को कहीं से पी साइट्स होती हैं पी साइट्स मतलब पहले से ई बुक बनाई रहती हैं और आपको सिर्फ बेच देना है ये सब मत करना आप मेक श्योर sure करो कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना उसमें सच में वैल्यू लेट से अगर आप फाइव का कुछ बेच रहे हो सो मेक श्योर यू गिव वैल्यू ऑफ एटलीस्ट रुपीज फाइव अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो यू डोंट डिजर्व टू सेल एनीथिंग ठीक है सो प्राइस क्या डिसाइड कर रहे हैं मैं बता रहा हूं जो भी प्राइस रखो इंडिया में मेक श्योर इट इज समवेयर लेस देन एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड रुपीज से कम होना चाहिए अगर आप जल्दी जल्दी बेचना चाहते हो अपना डिजिटल प्रोडक्ट राइट नाउ फोर्थ स्टेप इज रनिंग एड्स जी हाँ दोस्तों आपको अपना एड चालू करना होगा फेसबुक एड चालू करना होगा राइट सो so, दो टाइप के मेनली एड्स होते हैं दो मेन मेजर सोर्सेज होते हैं एड्स प्लेटफॉर्म uh, के वह फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स राइट सो मैं रिकमेंड करता हूं अगर कोई बिगिनर है राइट right? सो so, मैं रिकमेंड करता हूँ फेसबुक एड्स आप चूज किए बिकॉज आप कम कॉस्ट में रिजल्ट आना चालू हो जाते हैं सो so, मैं आपको ले चलता हूँ फेसबुक एड्स पे सो आपको ना न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है अगर आप एकदम फेसबुक बारे और कुछ नहीं पता तो मेरा एक वीडियो है फेसबुक के ऊपर मैं आई बटन भी दे रहा हूं आप चेक कर लेना सो so, आपको ठीक है, है, right? है।, है ये मेरा एक, आ, एक ऐसी अकाउंट है ट्रायल टाइप मैं इसमें टेस्ट करता हूँ कुछ ना कुछ सो so, यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर आ जाएगा कैंपेन लेवल एट सेट लेवल राइट ना आपको क्या करना है एटसेट लेवल पे जाना है एंड देन आप सोच रहे हो क्या मैं सेलेक्ट करूं आपको वेबसाइट सेलेक्ट करना है पे कन्वर्जन इवेंट बिकॉज आप एक लैंडिंग पेज भेजोगे आप डायरेक्टली तो नहीं भेजोगे किसी को कि भाई ले लो मेरा ये वर्कशॉप ले लो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं भेजोगे तो आप आप एक लैंडिंग पेज के थ्रू भेजोगे तो उस लैंडिंग पेज का लिंक आपको देना तो ये वेबसाइट टाइप ऐड रहेगा राइट एंड देन पिक्सल सेलेक्ट करना है अपना right? जो भी आपने पिक्सल लगाया है मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है एंड बजट बजट यू कैन चूज फ्रॉम एनी वेयर फ्रॉम बहुत uh, बहुत सारे सारे सोचेंगे इतने बजट से काम होता है क्या? सारे कुछ, जाएंगे कि भाई, इतने से कुछ काम होता है क्या मैं बता रहा हूं स्पेंड जस्ट वन ट्वेंटी पर डे इफ यू द राइट विल गेट सम सेल्स मतलब आपका हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेगा देखो अगर कम बजट में एड चलाते हो तो प्रॉब्लम नहीं है प्रॉफिट होता रहता है प्रॉब्लम तो आती है स्केल करते हो राइट right? यू डोंट टू स्केल इन स्टार्टिंग आप बेचना चाहते हो कंसिस्टेंटली बेचना चाहते हो दैट इज अ गुड थिंग राइट यू डोंट वॉन्ट टू स्केल कि हाँ भाई अब स्केल करते हैं जल्दी जल्दी अभी तुरंत नहीं कोई जरूरत नहीं है जब आपका प्रॉफिटेबल चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसको चलाते रहो बाकी प्रोडक्ट्स और बनाते रहो सो so, ऐसा नहीं कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया वही दो तीन बिक रहा है पर डे एंड बस वही चल रहा है नहीं दो तीन प्रोडक्ट्स और साथ में चलाओ ताकि आपका डेली का प्रॉफिट हजार दो हजार तीन हजार रुपये कम से कम आ जाए ठीक है अच्छा यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया वन फिफ्टी रुपीज ठीक है अब आपको क्या करना है अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई मुझे आ, क्या करना है तो आपको जाना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस यूज ओरिजिनल ऑडियंस सो सबसे पहली चीज आपको ऑडियंस ब्रॉड रखनी है ठीक है एज नहीं छूना है जेंडर नहीं छूना है हम फेसबुक को ही देते हैं फेसबुक डिसाइड करे क्या चीज करना चाहिए टारगेटिंग में अब टारगेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन जैसे मैं एफिलेट मार्केटिंग का ई बुक बेच रहा हूँ याफिलेट मार्केटिंग कोई मिनी कोर्स वेबिनार खुद बेच रहा हूँ तो मैं फिल्म मार्केटिंग टारगेट करूंगा अब ब्रॉड ऑडियंस है तो ये आपका न, ये ना ये लिख के आना चाहिए योर ऑडियंस सिलेक्शन इज फेयरली ब्रॉड क्योंकि वी वांट टू रीच टू मैक्सिमम पीपल राइट सो अगेन आपको ब्रॉड ऑडियंस चाहिए ना इंटरेस्ट में ना अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपका ऐसा निशन जिसमें आपको इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है तो आप सिंपली कुछ मत इसमें टारगेट करो जस्ट लीव दिस ब्लैंक डोंट टारगेट एनी बट अगर आप चाहते हो कि भाई मैं अपने फील्ड को जानता हूं मेरी ये टारगेटिंग है तो फिर सही है कोई दिक्कत नहीं है फिर ठीक है सो इन दिस केस लेट से मेरा एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पी है जो कि मैं 199 नाइनटी में बेच रहा हूँ तो लेट से ये मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड देन यहाँ पे दिखा रहा है सिलेक्शन इज फेयरली ब्रॉड परफेक्ट दैट इज गुड प्लेसमेंट्स जो होते हैं उसको हम क्या करेंगे उसको हम uh, कर सकते हैं मैनुअल बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है सो so, इसको छोड़ दीजिए ऐसे कैसे क्योंकि हमारे पास डेटा आया नहीं है अभी मैक्सिमम अब एड्स में चले जाइए अब कह रहा है ऐड अपलोड करो अब देखो बहुत सारे एड्स होते हैं मेरा फेसबुक एड्स का मैंने एक आ, प्रोग्राम बनाया है राइट उसका नाम है फेसबुक एड कोचिंग प्रोग्राम मैं आपको ट्रांसपेरेंटली दिखा रहा हूँ मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया विद इन लाइक विद इन फर्स्ट फ्यू डेज हमारे पास पचास लोग हो चुके हैं उसमें

अपना बढ़िया से क्रिएटिव बनाओ बहुत ही कॉम्प्लेक्स मत बनाने की कोशिश करना सिंपल क्रिएटिव बनाओ काम करेगा आपको सिंपल बनाना है उसके बाद अगर आप चाहते हो कि वीडियो क्रिएटिव के साथ खेलो तो वीडियोस शुड बी वेरी पावरफुल देखो इमेज क्रिएटिव चल जाते हैं कई बार बट वीडियो में ना सच में कुछ तगड़ा होना चाहिए तभी चलेगा सो मेक श्योर अगर आप वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा अच्छा बनाओ ठीक है अब एक फॉर्मूला होता है ए आई डी ए फार्मूला अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो जैसे डायरेक्ट एड में से हम बोलो कि हमारा प्रोग्राम खरीद लीजिए हमारा ई बुक है खरीद लीजिए सो लेट से आपको बेचना है फ्रीड मार्केट ई बुक सो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो यू नो वॉट ए मार्केटर्स आर मेकिंग मोर देन वन लैख रुपीज पर मंथ यूजिंग द सीक्रेट ए बी सी टेक्नीक इफ यू टू लर्न दिस टेक्नीक क्लिक ऑन द बटन बिलो एंड डाउनलोड माई ई बुक एट जस्ट रुपीज नाइनटी नाइन click on the link. इट इज बैक बाई मनी बैक गारंटी सो इन केस वेरियंट लाइक यू विल गेट यूल मनी बैक सो ऑलवेज अपने कोर्सेज जो आपका ये वाला कोर्स है ना कम प्राइस वाला वन नाइन नाइन टू नाइन नाइन थ्री नाइन इसमें हमेशा मनी बैक दीजिए पसंद नहीं है आप उसको पैसा वापस कर दीजिए सिंपल सा कहानी है ऐसा नहीं करना कि भाई पैसा वापस नहीं करना है करना अगर आपको लगता है कि भाई बंदा आपके साथ एक तरीके से वो कर रहा है कि भाई जानबूझ के रिफंड करा रहा है उसको पसंद आया फिर भी फिर भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है अब एड कॉपी का क्या लिखेंगे हम लोग सो बॉस यहीं पे गेम है आप चैट जी में जाओ ठीक है एंड वहां से आप फेसबुक एड्स का एक कॉपी जनरेट कर लो आप लिख दो राइट फेसबुक एड्स कॉपी फॉर माई दिस प्रोडक्ट तो एक बेसिक कॉपी जनरेट कर देगा अगर आपको एडवांस कॉपी बनानी है तो प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी और अच्छे तरीके से बट एक बेसिक कॉपी बनाओ या फिर अपने से भी लिख सकते हो यहाँ पे आपको लगाना है अपने में लैंडिंग पेज का लिंक लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपका ना कन्वर्जन ट्रैक होना चाहिए कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए ना अगर एडसेट लेवल पे यहाँ पे जाएंगे हम लोग तो यहां पे दिखा रहा है कन्वर्जन इवेंट कब मानेंगे कि कन्वर्जन जो है हो चुका है कब मानेंगे कि कन्वर्जन जो है हो चुका है तो ऑब्वियसली जब कोई आपके थैंक यू पेज पर रह मतलब वो खरीद चुका है सामान सो so हम लोग क्या करेंगे कन्वर्जन इवेंट को एक थैंक यू पेज बना के वो कह देंगे कि भाई थैंक यू पेज मतलब वन कन्वर्जन काउंट करना इन दिस केस वैसे मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं जैसे ये इसको इसका बना लिया फेसबुक एट कोचिंग प्रोग्राम का ठीक है सो एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस कि फेसबुक एट कोचिंग सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम एक कन्वर्जन इवेंट बना लिए सो so, आप अगर आप ये सब फिक्स पिक्सल वक्सल सेटअप करना नहीं जानते हमारा बेसिक वीडियो देखिए अगर आपको पूरा फेसबुक एड्स का कोर्स चाहिए प्लस आपको पूरा सीखना भी है तो वन एंड नाइन पर मंथ हमारा फेसबुक एड कोचिंग नाम है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप पूरा उसमें कोर्स भी है पूरा का पूरा, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक हर महीने दो लाइव ट्रेनिंग्स भी कम्युनिटी भी है आप एक बार चेकआउट कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसको टर्न ऑफ कर दीजिए एंड इसको भी टर्न ऑफ करना है आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एड साइड लेवल पे जाना है और आपको टर्न ऑफ करना है ओके okay. तो इसमें नहीं सही है बाकी ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है ना बस परफेक्ट ठीक है तो बस आपको इतना ही करना है और अगर आप चाहते हो कि मैं एक एड कैंपेन आपके सामने लाइव सेटअप करूं तो मेक श्योर sure आप नीचे कमेंट कीजिए लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि आपका फ्लो कैसा होना चाहिए उसका भी ध्यान देना पड़ेगा आपको सो so, फ्लो आपका ऐसा होना चाहिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं सो so, आपका एड है ठीक है सो so, जो आपका एड वन है ना एड वन तो एक साथ कम से कम बनाओ तो कम से कम तीन एड बनाओ सो so, एक ही कैंपेन के अंदर तीन एड्स बनाओ एक कैंपेन एक सेट्स के अंदर तीन एड ठीक है या फिर एक और काम कर सकते हो आप एक कैंपेन तीन सेट्स एंड तीन एड हर एडसेट में एक एड ठीक है सो एक एड हो गया मतलब यहाँ पे लिख देता हूं कैंपेन सबसे आपके लिए रिकमेंडेड ये रहेगा कि कैंपेन के अंदर आप तीन एडसेट बनाओ एंड वन एड पर एडसेट ठीक है परफेक्ट और तीनों अलग अलग आपके एड्स होने चाहिए ताकि आपको अंदाजा लगे कि कौन सा एड काम कर रहा है आपके लिए Now, एक बार आपको पता लग गया कितना काम तो ऑडियंस बनाइए ट्वेंटी फाइव परसेंट वीडियो देखा है ठीक है so, सो उससे क्या होगा कि जैसे मान लो आपने एक एड चलाया है और उसमें ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर किसी ने वीडियो देखा है तो उसका आप रिटारगेट कर सकते हैं कि भाई उनको बार बार आपका एड दिखेगा ठीक है ना एंड रिटारगेटिंग बहुत जबरदस्त जबरदस्त स्ट्रैटेजी है एक स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल की उसमें हम लोग उनको पांच डिफरेंट ऐड दिखाते हैं जो बंदा 25 परसेंट आपका पहला ऐड का देख चुका है उसको अलग अलग पांच ऐड दिखाते हैं ताकि वो खरीद ले उस पांचों ऐड का बजट है सिर्फ सौ रुपए पर डे सिंपल और वो कन्वर्सन बहुत तकड़ा आता है ठीक है so, सो वो सब एडवांस वाली चीजें हैं हमारे फेसबुक एड कोचिंग प्रोग्राम के अंदर वो सब है बट बेसिक बेसिक यही है कि आपको पहले तो आपको एक कैंपेन बनाना तीन एडसेट उसके अंदर और एक एड पर एडसेट उसके बाद आपको एक रिटारगेटिंग ऑडियंस बनानी है जो आपका एड है ना उसका पच्चीस परसेंट जितने लोगों ने देखा उसका एक ऑडियंस बना रहा है सो so, कैसे बनाना है सो so, आपको जाना है इस पे ऑल टूल्स एंड आपको जाना है ऑडियंस इस पे ठीक है एंड देन गो टू क्रिएट ऑडियंस ठीक है एंड देन क्लिक ऑन कस्टम ऑडियंस ठीक है एंड देन तो यहां पे हमने वीडियो सेलेक्ट करना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है चूज कंटेंट टाइप सो so, यहां पे लिखना है पीपल हुए हैव वॉच एटलीस्ट 25% ऑफ द वीडियो एंड देन रिटेंशन इसका रखना है 90 डेज ठीक है एंड इसका नाम आपको दे देना है 25% वीडियो व्यूज ऑफ ऐड वन जो भी आपका ऐड हो चूज वीडियो पे क्लिक कीजिए एंड वो वीडियो चूज कर लीजिए जो आपके ऐड कैंपेन में है सो so, जैसे यहाँ पर हम कैंपेन में जाएंगे कौन से कैंपेन में है सो so, वो आप सर्च कर लीजिए यहाँ से एंड वो वाला वीडियो टारगेट हो जाएगा क्रिएट ऑडियंस देख लीजिए जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कई ऑडियंस बना रखे जैसे एक मेन ऐड का वो बना रखा है ऑडियंस राइट right? तो इसमें एक हज़ार से कम है पिछले साठ दिनों में जितने लोगों ने मेरे से इंगेज किया है इंस्टाग्राम पे वो एक ऑडियंस बनी हुई है पिछले नब्बे दिनों में पिछले मतलब बहुत सारे यहाँ पे गैरीवी की ऑडियंस बनी हुई है बहुत सारी ऑडियंस बनी हुई राइट तो आपको क्या करना है ऑडियंसिस बनाकर रखना है ताकि आप रिटारगेट कर पाओ दैट्स इट वेरी वेरी सिंपल गाइस सो अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो आप अगेन कमेंट करो बताओ कि क्या एक्टली exactly हेल्प चाहिए बिकॉज ये कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा सो so, मुझे बताओ एक्जेक्टली exactly क्या हेल्प चाहिए ताकि मैं अगला टॉपिक उस पर तैयार रखू ठीक है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो मेक श्योर आप लाइक कर दीजिए एंड कॉमेंट करके बताइए कैसा लगा